तो फाइलम आर्थरो लार्जेस्ट फाइलम क्यों बोला जाता है अराउंड टेन लैक लिविंग स्पीशीज उसमें क्लासिफाइड हैं। अकॉर्डिंग टू कैम्बल आर फाउंड ऑलमोस्ट इन ऑल हैबिटेट। दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां आप आर्थ्रोपोड को नहीं पाएंगे ओके एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली एट्टी परसेंट ये तो एवरेज र... है ऑफ ऑल एनिमल्स ठीक है तो हिस्ट्री तो एरिस्टोटल डेकापॉड Decapod का मतलब क्या है टेन लेग्स में आया? तो उसको टेन लेग्स हम लोग बोलते हैं एंड उसको क्या बोला उन्होंने हाँ चलिए तो लिनेस फुट मेलाकोस्ट्रेका इन इंसेक्टा तो उस कैटेगरी को लिनेस ने इंसेक्टा में डाल दिया लमार डिवाइडेड इंसेक्ट ऑफ लिनेस इनटू थ्री क्लासेस कौन कौन सा क्रस्टाशिया हेक्सापोडा एंड एराकनिडा ठीक है द नेम क्रस्टाशिया वाज कॉइंड बाय कुवियर इन 1800 एंड लामार्क पुट लोबस्टर्स क्रैब्स एंड वाटर फ्लीस इन दिस क्लास ठीक है तो ये सबको लामार्क ने उसमें डाल दिया लामार्कोज ने फॉर स्कॉर्पियइडर माइट मीरियापोडा एंड था द नेम मीरियापोडा वॉज प्रपोज बाय लेट्राइल एंड वॉन सी बोल्ड गेव द टर्म आर्थ्रोपोडा तो आपका ये थोड़ा हिस्ट्री है ये वाला जनरली क्वेश्चन में आता है ये तो ज्यादा डिटेल है आपको पता नहीं याद रहे एंड कितना सुंदर उन्होंने लिखा है हाउ ब्यूटिफुल हैव रिटन सो द आर्थ्रोपोर्ट आर फाउंड फ्रॉम ऑल्टीट्यूड 5000 मीटर ऑन माउंटेन्स टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 4500 मीटर इन द सी देख रहे हो मतलब पूरा द दस किलोमीटर का रेंज है इन लोग का दे आर कर ऑन लैंड इन सॉइल इन फ्रेश मैरिन वाटर दे आर ऑल्सो फाउंड ऑन योर बॉडी तो ऑन द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सो दे आर फाउंड ऑलमोस्ट इन ऑल हैबिटाइट्स पॉसिबल एन अर्थ तो अर्थ में जितना पॉसिबल है सारे हैबिटाइट्स में ये मिलते हैं सो मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स तो इसीलिए अगर दुनिया में इनको मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स बोला जाता है इवेन अगर आपको मैं बताऊं जो लोग फ्यूचर साइंटिस्ट हैं जो लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो भी क्या बोल रहे हैं रूल द होल वर्ल्ड समझ रहे हो तो फ्यूचर में स्पाइडर्स करेंगे बल्ले बल्ले ऐसा लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ है

ये तो हम जानते हैं ये तो बहुत पहले से आ गया है ओके नाउ बॉडी स्ट्रक्चर बाइलेट ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड ठीक है अपेंडेजेस आर जॉइंटेड ये उनका नाम का कैरेक्टर है यूजुअली वन पेयर टू ए सोमाइट सोमाइट का मतलब क्या है बॉडी सेगमेंट एंड विथ वेरिड फंक्शंस एस जॉस गिल्स लेग्स लेग्स अलग अलग हो सकता है फीडिंग लेग वॉकिंग लेग स्विमिंग लेग एंड विंग्स एंड एंटीना ये अलग अलग तरह के आपके अपेंडेज विंग एंटीना एक और भी हम लोग लिख सकते हैं सेक्स ऑर्गन ओके यार जेनाइटल्स लिख देते हैं सिंपली जेनाइटल्स uh, तो ये सारे अपनेडेज में गिने जाएंगे एक्सोस्केलिटन ऑफ नॉन लिविंग काइटिनस क्यूटिकल ओके काल होता है दैट इज शेड एट इंटरवल्स विच इज कॉल्ड एक्डाइसिस और मोल्टिंग वाई डू यू नीड मोल्टिंग एंड एक्डाइसिस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इट इज ऑल्सो नीडेड फॉर एडिंग और डिलीटिंग ऑर्गन सुनिए आप जानते हो कि यह नॉन लिविंग एग्जोस्केटन है तो सपोज आपको विंग्स जोड़ना है तो क्या पुराने में जोड़ा जा सकता है नहीं तो आपको अंदर से बनाकर पुराने को तोड़कर निकलना पड़ेगा फाइन तो सपोज यू वॉन्ट टू रिमूव सम ऑर्गन देन ऑल्सो यू विल नीड मोल्टी ओके नेक्स्ट बॉडी इज जनरल डिविजिबल इनटू हेड थोरैक्स एब्डोमेन

उसफ्लाइट मतलब चबाना लैप मतलब तो एंड uh, तो चबा इस उसका जो खट्टा खट्टा निकलता है जूस उसको चाट लेते हैं फिर दो मिनट बाद वो मीठा लगने लगता है तो ऐसे खाता है इसको च्यूइंग एंड लैपिंग ओके रेस्पिरेशन क्यूटानियस होता है टिक्स एंड माइट्स में बुक गिल्स होता है क्रस्टेशियंस में बुकलंग्स होता है एरैक्ट्स में ट्रैकिया ट्रैक्योल्स होता है इंसेक्ट सेंटिपीड एंड मिलीपीड्स फाइन तो ये आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ सो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ये माउथ है ऑफ कॉकरोच बेसिकली ये आपका फोरगट है ये मिड गट है एंड ये हाइंड गट है ओके okay, तो ये आप देख सकते हो आपका कॉकरोच चैप्टर में क्लियर दिस इज द ट्रैकिया एंड दिस इज द मालफीजियन टिब्यूल मालफीजियन टिब्यूल क्या करता है पूरा आपका सिलोमिक फ्लूड से यूरिक एसिड कलेक्ट करता है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में डाल देता है ओके okay? इसलिए अगर आप उसका टट्टी को देखोगे कॉकरोच का काला के साथ एक वाइट डॉट भी होगा सो so दैट काला इज द लैट्रिन and the white dot is the uric acid crystal, क्रिस्टल okay? and ये आपका leg दिख रहा है this is a nine segmented leg. तो so ये जब हम लोग cockroach पड़ेंगे तो मैं आपको इसका elaboration करूंगा okay? साइफोनिंग स्थारी, का मतलब क्या है साइफनिंग का मतलब है आप देखे हो नहीं पता नहीं आप एक पाइप लेकर उसको ऐसे ऐसे पुश करोगे ना तो अपने आप पानी आने लगता है व्हाट इज देयर इन पाइप एयर तो yeah. आप क्या करो सपोज बाल्टी के अंदर घुसारम्प था को खुला रखो फिर निकालते समय थम्प को बंद रखो फिर खुला रखो फिर बंद रखो तो इस तरह से करने से क्या होगा आपका एयर इन पाइप विल बी रिप्लेस्ड बाय फ्लूइड्स एंड फिर वो कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा ओके okay? तो आप देखे नहीं होगे yes. साइफनिंग जैसे हम लोग पेट्रोल निकालते हैं गाड़ी के टंकी से उसको साइफनिंग कहते हैं क्योंकि शक करोगे तो पेट्रोल मुंह में चला जाएगा ना इसलिए लोग क्या yes, करते sir. हैं पानी में पाइप डाल के थोड़ा हिला देते हैं तो वो आ जाता है बाहर सो दॉल्ड साइफनिंग ठीक है अब आ जाइए सर्कुलेटरी सिस्टम तो ये ओपन है विथ डॉर्सल विथ ए डॉर्सल ऑफ मेनी चैम्बर्ड हार्ट तो थर्टीन चैम्बर्स इन कॉकरोच तो कॉकरोच में तेरह चैंबर्स होते हैं क्लियर आर्टरीज एंड ब्लड साइनसेस और हिमोसिल तो फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट इज बिहाइंड फॉरवर्ड मतलब ब्लड पीछे से आगे जाता है ओके okay? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एरिया है ब्लड इज कलरलेस। क्यों उसमें कोई पिगमेंट नहीं होता सो इट इज कॉल्ड हिमोलिम सो ब्लड इज कॉल्ड हिमोलिम्स बॉडी कैविटीज डिवाइडेड इंटू थ्री साइनसेस अब आप यहां देखिए ये मैं देख रहा हूं ये आप डायग्राम को देखिए दिस डायग्राम। इसमें आप क्या देख रहे हो ये एक डायफ्राम है एंड ये एक और डायफ्राम है मैं इसको बड़ा कर देता हूं आपको दिखेगा। एक्चुअली आप जब घर में पढ़ो ना तो थोड़ा सा Uh, आप पॉज करके आराम से देख सकते हो तो इतना वक्त नहीं होता ना इतना पढ़ाने के लिए क्या किया जाए अब जितना टाइम है उतने का ही पढ़ाएंगे ना अब देखो ये कॉकरोच का क्रॉस सेक्शन है तो ये एक लाइन देख रहे हो इसको हम कहते हैं डॉर्सल डायाफ्रैम फाइन सो दिस इज कॉल्ड डॉर्सल डायाफ्रैम तो वो क्या करता है वो पेरिकार्डियल साइनस एंड ओके डॉर्सल डायाफ्राम क्या कर रहा है देख रहे हो वो पेरी कार्डियल साइनस एंड सेपरेट कर रहा है उसी तरह यहां एक वेंट्रल है देख रहे हो तो वो क्या करता है पेरीविसरल साइनस को पेरी न्यूरल साइनस से सेपरेट करेगा एंड ये फेनेस्ट्रेटेड डायाफ्राम है इसमें छेद है देखो तो इसलिए जब आपका प्रेशर इधर उधर होगा तो ब्लड इधर उधर जा सकता है ओके okay? तो ये आपका हार्ट है इसलिए उसको पेरिकार्डियल साइनस बोला जाता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इसलिए उसको गट पेरिविसरल बोला जाता है यह आपका नर्व कॉर्ड है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं पेरी न्यूरल साइनस एंड इसके अंदर जो फ्लूड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हिमोलेम ठीक है तो इसलिए जब आप घर में इसको देखोगे तो थोड़ा सा पॉज कर लेना एंड आराम से देख लेना ओके okay? तो यहां हम लोग देखते हैं हमारा काम सो बॉडी कैविटीज डिवाइड थ्री साइनसेस बाय द हेल्प ऑफ टू फेनेस्ट्रेटेड डायाफ्राम्स मतलब विथ मेनी होल्स डॉर्सल डायाफ्राम सेपरेट्स पीसीएस एंड पीवीएस सिमिलरली ventral diaphragm separates PBS and PNS. The heart chambers are attached to the dorsal chamber with the help of एलरी muscles. Okay, तो ये देख रहे हो ये आपका जो हार्ट है देख रहे हो कि नहीं ये हार्ट है इसको पकड़ा किसने है एलरी मसल <laughs> तो जितना चैम्बर है दो chamber को एक एलरी मसल जोड़ता है इसलिए नंबर ऑफ एलरी मसल्स क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ पेयर्स नंबर ऑफ हार्ट तो जैसे कॉकरोच का तेरा हार्ट है तो उसका बारह पैर एलरी मसल्स होगा अंडरस्टैंड सो दिस इज ये आपका नर्वस सिस्टम है देख रहे हो एनालिडियन नर्वस सिस्टम तो बिल्कुल वही वही चीज है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ओके सो इफ यू सी दिस ये आपका सुप्राइसोफेजियल गैंगलियन है ओके okay? उसके बाद ये सब इसोफेजियल गैंगलियन है ये आपका सरकम कमिश्योअर है ओके एंड एक्चुअली इस ये सरफे कमिश्योर गड़बड़ कर दिया है वो उसको कनेक्टिव लिखना चाहिए था ठीक है एंड उसके बाद ये सब देख रहे हो हर सेगमेंट में एक एक गैंगलिया है सो दीज आर कॉल्ड सेगमेंटल गैंगलिया एंड अब ये जो कनेक्टिव्स uh, है इंटर गेंग्लियल कनेक्टिव तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सबको जोड़ दो तो नर्व कॉर्ड बन जाता है तो देख रहे हो दो दो नर्व कॉर्ड दिख रहा है तो डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड ठीक है तो इसीलिए ब्रेन प्लस नर्व कॉर्ड बनाता है क्या सी एन एस एंड ये जो गेंग्लिया से जो नर्व निकल रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं लैटरल नर्व ओके तो लैटरल नर्व प्लस ब्रेन से जो निकलेगा उसको क्रैनियल नर्व्स बोलेंगे तो so, ये सारा मिला के आपका बना देगा पीएनएस ठीक है चलिए सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द ड्रॉइंग अब चलेंगे आगे हम लोग फाइन तो अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगेन क्रस्टेशिया में है ग्रीन ग्लैंड तो आप प्रॉन देखोगे उसका एंटेना के बेस में ग्रीन ग्लैंड होगा इसलिए उसको एंटेनरी ग्लैंड भी बोलते हैं स्पाइडर में कॉक्सल ग्लैंड कॉग्जा आपका लेग का सेगमेंट होता है उसके पास ग्लैंड होता है मालफीजियन टिब्यूल्स ये आपके इंसेक्ट सेंटिपीड एंड मिलीपीड्स में मिलते हैं ओके जनरली दे आर क्या मतलब क्या है ओके okay, okay, तो ये यूरिक लोग हल्के एनिमल्स होते हैं ना तो आप ये लोग ज्यादा पानी पी नहीं सकते सो इसलिए ये लोग यूरिकोटेलिक होते हैं क्लियर अब ये कहा से आ गया नेक्स्ट लोकोमोशन तो लोकोमोशन इसमें अलग अलग होगा तो लेग्स आपका वॉकिंग रनिंग स्विमिंग में मदद करते हैं विंग्स आपको फ्लाइंग में मदद करेंगे तो कॉकरोच में दो पेयर ऑफ विंग्स होता है जो मीजोथोरेसिक विंग है उसको एलिट्रा या टेगमिना कहते हैं जो फ्लाइंग विंग्स को प्रोटेक्ट करता है एंड जो मेटाथोरेसिक विंग है वो फ्लाइट में मदद करता है ठीक है in house fly mesothoracic wing is a flying wing and helps in flight metathoracic wing kya karega wo haltiers banata hai balancing karne ke liye theek hai nervous system bilkul annelida ka pattern ka hota hai okay sense organ isme bahut honge eyes simple ya compound ho sakta hai in compound eyes there are nearly 2000 simple eyes यूनिट नोन एज ओमाटीडियम तो ईच यूनिट को ओमाटीडियम बोला जाता है प्लूरल में उसको ओमाटीडिया बोला जाता है विज़न इज़ क्या मतलब क्लैरिटी बहुत कम है ओके आप जान आपको लगेगा कि कुछ मूव कर रहा है बट क्या मूव कर रहा है ये आपको दिखेगा नहीं कीमोअल्टोरिसप्टर आर फाउंड एंटेना chemogustator receptors are found in feeding legs and mouth parts tactile receptors known as anal sarsai are ye dekh raha hu yahan hai aapka anal sarsai dikh raha hai dekh raha hu ye aapka last segment hai ye hai anal sarsai this is anal circus. इसका plural जो है वो anal सरसाई है तो ये क्या है ये कॉर्डोटोनल sense organ है मतलब साउंड एंड मैकेनिकल वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करता है अंडरस्टैंड चलिए एंड बैलेंसिंग के लिए आपका स्टैटोसिस्ट है सेक्स डायोशियस एंड सेक्सुअली डायमोर्फिक आप आराम से मेल फीमेल को पहचान सकते हो मैं यहाँ आपको मेल दिखा रहा हूं एंड इस सेगमेंट में आपको फीमेल दिखा रहा हूं अगर आप ध्यान देंगे जिसमें यहाँ देखो कॉकरोच है एक्चुअली ये तो इधर फीमेल में आपको वन पेयर ऑफ प्रो, क्या प्रोजेक्शन दिखेगा इधर टू पेयर देख रहे हो तो जो है उसको एनल सर्कस बोलते हैं वो सेंस ऑर्गन होता है बट जो वेंट्रल वाला है एनल स्टाइल ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ठीक है तो इसलिए हाउ टू नो मेल एंड फीमेल तो जिसके पीछे दो पेयर ऑफ प्रोजेक्शन होंगे appendage होगा उसको मेल बोलेंगे and जिसके पास होगा उनके भी अलग अलग होते हैं मेल में तीन फेलोमियर्स होता है ओके मेल हैज थ्री फेलोमियर्स उसको एक्सटर्नल जेनाइटल्स बोला जाता है वेर एज फीमेल्स पेयर्स ठीक है तो ये इस तरह से आप मेल फीमेल को पहचान सकते हैं फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल ओवीपेरस या पैरस क्योंकि स्कॉर्पियन में जो विवी पैरस बोला जाता है हम जानते हैं वो एक्चुअली क्या है ओवो वीवी पैरस तो स्कूल में आप क्या लिखेंगे विवीप ओके विवी 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 okay? क्योंकि बुक में आपका वीवी पैरस लिखा है तो आप स्कूल में वीवी पैरस लिखेंगे चलिए पार्थेनोजेनेसिस हम जानते हैं कि आरहीनोटोकी यानी बीज में देखा जाता है एंड एम्फिटोकी एफिड्स में तो व्हाट इज आरहीनोटोकी बोलिए ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस्ड ओके व्हाट इज थेलीटोकी एम्फिटोकी बोथ मेल फीमेल चलिए यूनिक फीचर्स इनमें क्या है दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस मॉडिफाइड फॉर वेरिएटी फंक्शंस

तो उसके बाद एडवांसमेंट ओवर एनालिटिक्स क्या है तो ये आ गया देखो डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट हेड दादा हेड <laughs> तो इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे तो इधर ही लिख लेंगे ट्रू सेफालाइजेशन ठीक है तो ये लिखा है जॉइंटेड सर्विंग ये बार, बार नहीं लिखेंगे हम लोग जगह ज्यादा खाता है ओके

Uh, उसके बाद सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोडा का एक कारण है काइटीन, ओके इट मे बी स्ट्रेंथेंड बाय डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है बींग टफ इट प्रोटेक्ट द आर्थ्रोपोड अगेंस्ट प्रेडिटर्स एंड फॉर्म ज्वाइंटेड स्केलेटन फॉर मसल अटैचमेंट बींग लाइट इट डज नॉट एड टू बॉडी वेट अब आप खुद सोचो अगर जो झाड़ी जो पोको आप देखे हो कभी झाड़ी पोको तो उस शाम को लाखों झाड़ी पोको आए होंगे आपके घर में मतलब अराउंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ विंग्स विल बी देयर इन योर हाउस एक दिन क्या करना उन सबको कलेक्ट करना एंड उसका वजन करना आप देखोगे एक ग्राम भी नहीं आएगा समझ तो आया इसका मतलब एक ग्राम जिसका वजन नहीं है उसने लाखों ड्रैगन फ्लाई को उड़ा दिया मैफ्लाईज को लाखों तो इससे चमत्कार और क्या है समझ में आया कि नहीं नाउ इट इज इंपर्वियस टू वाटर इसीलिए वो पानी में भीगाता नहीं एनिमल को दिस एज एनाबल आर्थोपोट टू सरवाइव ऑन लेन इन ऑलमोस्ट एनी एनवायरमेंट किसी भी एनवायरमेंट में जीने लायक बना दिया द टू फ्लाई एंड क्रॉस बैरियर्स विच अदर एनिमल्स नॉट क्रॉस ठीक है एंड चलिए अब ये आपका क्लासिफिकेशन है तो हमने इसको अलग अलग क्लासेस में बांटा हुआ है मेरोस्टोमाटा एरेक्नेडा क्रस्टेशिया डिप्लोपोडा काइलोपोडा इंसेक्टा इसको हम हेक्सापोडा भी बोल सकते हैं एंड ऑनिकोफोरा ठीक है सो इसीलिए आप डिवीजन ऑफ बॉडी तो इसमें क्या है प्लस एब्डोमेन सेफेलोथोरैक्स प्लस एक्डोमेन ओके सेफेलोथोरैक्स प्लस एब्डोमेन हेड थोरैक्स एब्डोमेन हेड प्लस ट्रंक थोरैक्स एब्डोमेन डिविजन अनक्लियर तो देख रहे हो तो इसीलिए आपका किसी किसी में हेड थोड़ा चैपडोमन है रेस्पिरेशन कैसा हुआ बाई तो रेस्पिरेशन जो है बुक गिल्स इन मेरास्टोमाटा लंग्स ट्रैकिया इन बुक लंग्स इन क्रस्टेशिया ट्रैकिया ट्रैक्योल्स इन काइलोपोडा ट्रैकिया ट्रैक्यूल्स इन इंसेक्टा मालफीजियन टिब्यूल्स ही होगा तो दिस इज ऑल्सो मालफीजियन टिब्यूल्स दिस इज ऑल्सो मालफीजन टीक है ये दोनों आपका मालफीजियन ट छोटा कर देते हैं थोड़ा यस हो गया ये आपका मालफीजन ट्रिब्यूल्स एंड आपका ऑनिको फोरा में आ जाएगा क्या आपका कॉक्सल ग्लैंड गे गे तो एग्जाम्पल किलो किलो है आप आराम से देख लेना मैं स्क्रीन को कुछ देर के लिए फ्रीज कर देता हूँ तो किंग क्रैब आपका आ जाएगा मेरोस्टोमाटा में स्पाइडर स्कॉर्पियन टिक्स माइट्स ये आ जाएंगे अरेक्निडा में क्रैप प्रॉन लोबस्टर वाटरफ्ली बारनेकल्स ओके तो ये सब आ जाएंगे किधर सो so, नहीं होगा सो दीज आर ऑल फाउंड इन वट बालनगर क्रेप हर्मिट क्रैप्स इन क्रस्टेशिया ओके तो डिप्लोपोडा में आता है मिलीपीड उसमें वन पेयर ऑफ अपडिजिस होगा पर सेगमेंट ए टू पे सेंटीपीड में क्या होगा वन पेयर ऑफ अपडेजिस होगा सो दैट इज कॉल्ड सेंटिपीड तो सेंटिपीड को ओडिया में हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए बिच्छा ओके एंड इंसेक्ट में तो कुछ मर्जी बोल दो आ जाएगा सिल्वर फिश स्प्रिंग टेल स्नो फ्लाई लो कस्ट ग्रास हॉपर क्रिकेट रो चेस स्टिक इंसेक्ट एंड विग्स लाइस मे फ्लाई ड्रैगन फ्लाई एफिड्स केल इंसेक्ट मॉस बूटरफ्लाई वास बीज मस्कीटोज एटसेट्रा एंड पेरीपैटस तो ये क्या है सो दिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रो ठीक है तो so, ये आपका पेरीपैटस कनेक्टिंग लिंक में आ जाएगा क्लियर तो ये आपका कुछ है बट दिस इज द कंसेप्ट दैट इज देयर इन योर सिलेबस बट यू नो दैट आई मेक सो मेनी स्लाइड्स तो ये सबके नेम्स हैं देख रहे हो तो ये आपको खुद कलेक्ट करना पड़ेगा इतना तो हम क्लास में नहीं बता सकते सो दीज आर नेम्स एंड दीज आर फोटोग्राफ्स फाइन तो ये जिसको मिलेगा ये नोट उसी को पता चलेगा और क्या आप लोग ये अलग अलग बुक्स में देख सकते हो सो मैनी नेम्स ओके आर देयर एंड सो मैनी फोटोग्राफ्स ठीक है तो so ये देखिए, ये आपका एक मिलीपीड है देख रहे हो ये आपका सेंटीपीड है देख रहे हो दिस इज सेंटिपीड दिस इज मिलीपीड ये आपका ग्रास हॉपर है देख रहे हो लोकस्ट एब्डोमेन तो मैं फ्रीज कर रहा हूं ताकि आप लोग उसको लिख सको कुछ देर तो ये उसका एनाटमी दिखा रहा है ओके okay, इधर आप देख रहे हैं क्या दिस इज अ लोबस्टर ओके ये है लेपस गूज गर्कल ये देख रहे हो किंग क्रैब्स तो किंग क्रैब्स yes. को लिविंग फॉसिल बोला जाता है क्यों उस दिन से आज तक कोई चेंज नहीं है एंड दीज आर द फर्स्ट एनिमल्स टू कम टू लैंड समझ रहे हो तो किंग क्रैब्स आर द फर्स्ट एनिमल्स दैट केम टू लैंड ये आपका स्पाइडर है एंड ये आपका उकुनी है टिक्स ठीक है yes. चलिए हाँ बोलो सर पे हॉर्स क्रैब लिखा था हाँ किंग क्रैब का नाम है हॉर्स शू क्रैब समझ तो में तो ये yes. आपका है ट्राइलोबाइट तो ये फॉसिलाइज्ड है तो दिस इज ट्राइलोबाइट सो मेनी थिंग्स आर रिटर्न बट आप लोग कैसे पढ़ोगे पता नहीं सो so ये देखिए ये आपका है क्या स्कॉर्पियन सो दिस इज मिलीपीड दिस इज ए फसिल ट्रायलोबाइट ओके दिज आर अदर एनिमल्स ये टाडी ग्रेड है ये आपका ग्रास हैं ये क्रैब्स स्पाइडर्स ये फॉल स्कॉर्पिये बटरफ्लाई है ये ये भी एक टाइप ऑफ क्या जो स्पाइडर है और क्या ये देखिए किंग क्रैब तो ये किंग क्रैब का डिटेल है बहुत मेहनत किया है इस नोट में उसका डिटेल्स भी दिया गया है इधर बट ये इतना पढ़ने का आपके पास वक्त नहीं है सो so ये देखिए अरकनीडा ये देख रहे हो दीज आर डॉग टिक्स अगर आप देखोगे डॉग्स में ऐसा होता है ओके okay, ये रेड माइट है लिजर्ड के लिजर्ड के बॉडी में हो रहा है देख रहे हो ये लोग हर जगह हो जाते हैं ये उसका जो पार्ट्स है बॉडी पार्ट्स ये स्पाइडर है ये स्पाइडर का बॉडी पार्ट्स ठीक है उसी तरह से ये आपका स्कॉर्पियन है ये देखो स्कॉर्पियन के बॉडी में भी टिक्स हो गए हैं देख रहे हो सो दीज आर स्कॉर्पियन टिक्स एंड दिस इज योर मलकोस्ट्र का ओके ये देखिए अलग अलग ये वाटर फ्ली है डेफनिया ठीक है ये हर्मिट क्रैब है देख रहे हो तो हर्मिट क्रैब क्या होता है दैर इज ए क्रैब इनसाइड ए मलस्कन शेल ओके तो दैट इज ए हर्मिट क्रैब ये इंसेक्ट्स है आप देख रहे हो दीज आर इंसेक्ट्स दिस इज योर ड्रैगन फ्लाई ये आपका बटरफ्लाईज हैं ये आपके फ्लाइज हैं ओके सो दिस इज अ वाट दिस इज अ टाइप ऑफ स्टिक इंसेक्ट ओके इसको आप लोग ये भी बोल सकते हो मैंटिस फाइन ये टाइप ऑफ कॉकरोच है ये आपका जो लाइफ साइकिल है एग ओके एग से बनता है लार्वा लार्वा से बनता है प्यूपा प्यूपा से बनता है एडल्ट उसी तरह ये है कंप्लीट मेटामोर्फोसिस बट ये ग्रेजुअल मेटामोरफोसिस है तो ग्रेजुअल मेटामोरफोसिस से निम्फ बनते हैं ओके एग प्रोड्यूसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ निम्फ एंड अल्टीमेटली वो बनेगा एडल्ट सो इसीलिए ये आपका हो गया टोटल मेटामोर्फोसिस ओके एंड ये हो गया क्या